I'm a yarder. तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मैं हूँ एसके और आप लोग देख रहे हो एसएस ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक इंट्रो लाइक लोकेश गेमर। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाने वाला हूँ लोकेश गेमर जैसा इंट्रो, जो कि अभी उनका न्यू इंट्रो चल रहा है, जो कि आप लोग ने पहले देख भी लिया। वैसा ही इंट्रो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट होगा, क्योंकि एंड्रॉयड और पीसी के एडिटिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। और सेम बनाने की कोशिश मैंने की है, आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना तब आप लोग को समझ आ जाएगा। और तीन एप्लीकेशंस की ज़रूरत है, पिक्सल लैब, पीएससीसी, काइनमास्टर। पीएससीसी और काइनमास्टर का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिक्सल लैब का प्ले स्टोर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग को आपका पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में पैक लिंक दे के रखा होगा इन वीडियो यूज्ड आइटम करके, ऐसा पैक लिंक, और उसके बाद में लिखा होगा इन वीडियो यूज्ड आइटम, तो वैसा ही कुछ दिया होगा। तो आपको पैक डाउनलोड कर लेना है और उसमें से एक टेक्स्ट ले लेना है, और टेक्स्ट को कैसे पिक्सल लैब में इंपोर्ट करते हैं वो सब आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, या फिर मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हो, टोटल गेमिंग फॉन्ट वाली है ये वाली, इसको भी देख सकते हो, और इसका लिंक मैं दे दूँगा आई बटन पर, तो आप लोग देख लेना। और यहाँ पर आप लोग को ए वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पर न्यू टेक्स्ट पर क्लिक कर देना, एडिट आ जाएगा इधर। एडिट में सिंपली आपको जाना है, आपके चैनल का नाम लिख देना है लोकेश, मैं जैसे बना रहा हूँ लोकेश गेमर का, तो मैं यहाँ पे लोकेश लिख देता हूँ। फिर आपको इसको सबको बड़ा करना है, तो यहाँ पे जो डिलीट के बाजू में यहाँ पे आइकन दिखता है, इसको दबाना है, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग को ए बी फॉन्ट पे जाना है, और माई फॉन्ट पे जाके आप लोग को सर्च करना है NAU, और मेरा फॉन्ट है उसी से है जो मैंने दे दिया है, वो आप लोग डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद आप लोग को फोर्थ वाला आइकन पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे से इमेज साइज को कर देना है आप लोगों को YouTube चैनल बैनर या फिर YouTube थंबनेल, आपको जो अच्छा लगे वो कर देना, उसमें कोई भी वो नहीं है। और यहाँ पे जाना है आप लोग फिर से टेक्स्ट वाले पे, रिलेटिव पोजीशन पे जाना, और इस पे जाना। मैं ये सब बेसिक सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो बंदे नए हैं वो लोग को पता चल जाए। और गाइज, उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट करना है, और सेव एज इमेज, देन कस्टम वाले पे क्लिक करके आप लोग को कर देना है अल्ट्रा पे सेव टू गैलरी कर देना, और नेट बंद रखना, नहीं तो फालतू में ऐड आ जाएगी। और यहाँ पे हमारा इतना काम हो गया, और उसके बाद ये जो गेमर है इसको हम लोकेश गेमर भी तो हमको लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग लोकेश को डबल टैप करेंगे, लोकेश पे जो डबल टैप करेंगे, आपका हैंग हो रहा होगा तो ट्रिपल टैप करते रहना, वो आ जाएगा। फिर से इसको बड़ा करेंगे, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, वो ग्लिच है थोड़ा सा, वो हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत ग्लिच आ जाता है कभी कभी, ग्लिच तो चलता है। और यहाँ पे आई पैडिंग पे जाएंगे, अगर लगता है आपको पैडिंग करने की ज़रूरत है तो कर दो, अदरवाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा। रिलेटिव पोजीशन पे जाके आपको राइट पे क्लिक कर देना है बस, और यहाँ पे से इसको सेव कर देना है, बस इसको सेव कर दो, कस्टम और अल्ट्रा कर देना और सेव कर देना। इसके बाद आ जाते हैं अपने PSCC पे। सो गाइज, आप लोग को आपका PSCC एप्लीकेशन ओपन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए ये वाली वीडियो देख लेना, हाउ टू ओपन माई लिंक्स करके, ये भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए, पूरी डिस्क्रिप्शन अच्छे से चेक करना, आपको सारा सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे 1920x1080 का प्रोजेक्ट लेके ओके पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे कुछ ऐसा खुल जाएगा। उसके बाद आप लोग को पिक्सल लैब वाला फोल्डर ढूंढ के उसमें से लोकेश वाला टेक्स्ट लेके आ जाना है। मिल गया मेरे को लोकेश वाला टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे इसको सीधा ऐसे रख देना है, और नीचे लेयर को आप लोग कोई भी कलर से फिल कर दो, वाइट से मत करना, क्योंकि पहले ही हमारा टेक्स्ट वाइट से है। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे ये वाला टूल कर लेना है, जिसका नाम है मार्क्यू सिलेक्शन टूल, आपका शुरुआत में यही रहेगा। और उसके बाद ऐसे हाथ को ऐसे ड्रैग करना है, और ऐसे कुछ कर देना है, और यहाँ पे जाना है आप लोगों को यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करके आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कट लगाने के लिए यहाँ पे ऐसे करना है, और यहाँ पे देन क्लियर करने के बाद कुछ ऐसा कट लग जाएगा आपके टेक्स्ट में, आपको जहाँ पे लगाना है वहाँ पे आप लोग लगा सकते हो। देन एफएक्स पे जाना है, एफएक्स वाला आइकन पे ड्रॉप शैडो पे जाना है, ड्रॉप शैडो को आपका ब्लर पूरा कम कर देना है, डिस्टेंस को जाना है, और यहाँ पे डिस्टेंस आपको 10 कर देनी है। ये सब बेसिक्स है जो कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में सिखा चुका हूँ, अगर आपको फिर से जानना है तो मैं बता दूँ आप लोग कौन कौन सी वीडियो देखनी है। PSCC 3D टेक्स्ट देख लेना, आपको टेक्स्ट का पूरा समझ आ जाएगा, और बाकी सब वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, तो देख लेना। बाकी सब ट्यूटोरियल भी ऐसे ही दे देना है, दो बार ही ड्रॉप शैडो, एक बार थोड़ा सा नीचे कुछ इस टाइप का, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। और यहाँ पे सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे वाइट से फिल करके एक बार चेक करते हैं कैसा दिख रहा है, तो नहीं अच्छा लग रहा है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपको इसको हटा देना है, और डन पे क्लिक करके सेव कर देना है। और रुको, अभी इसमें और काम बाकी है, पूरी वीडियो ध्यान से देखते रहो, आपको सब समझ आ जाएगा। फिर से इसको अनहाइड करना है, फिर इसको डिलीट कर देना है, और यहाँ पर आप लोग को आ जाना है, फिर से लोकेश लेके आना है,
और लोकेस को यहाँ पे ऐसे रख देना है से यहाँ पे, और उसके जस्ट नीचे गेमर लेके आ जाते हम लोग। गेमर को भी अब ले आते, गेमर को भी अब लगा ही देते। गेमर को ऐसे मैंने यहाँ पे ला लिया, और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट पिक्सल्स करने, देख लो एक और बार बताता हूँ, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, सिलेक्ट पिक्सल्स करना है, फिर यहाँ पे जाना है, एंड वाले पे जाना है, फिल एंड स्ट्रोक पे जाना है, फिर यहाँ पे रेड कलर पूरा 360 100 100 100 ऐसा करके फिल कर देना है इसको। और इसके बाद यहाँ पे आपको रेड कलर सिंपली मिल जाएगा। फिर से ऐसे ड्रैग करके ऐसे कुछ बनाना है आप लोगों को, फिर से इसको फिल कर देना है। और यहाँ पे दो था मैंने जहाँ तक याद है मुझे, तो मैं भी दो बना देता हूँ। ट्रांसफॉर्म पे से थोड़ा इसको ट्रांसफॉर्म करके बाकी बराबर कर देते हैं, और बाकी तो हमने बराबर ही बनाया है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ गेमर टाइप का PNG वो सब था, तो उसको भी लगा देता हूँ। ये जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया है, इसको पतला करने के लिए हम लोग जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, जो एक्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन है इसमें जाएंगे, लॉक वाला जो है उसको उसको फिर से एक बार दबा देंगे बस। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा, इसके ऊपर रख के देख कर लेते, मैक्सिमम इतना सही लग रहा है मेरे को। फिर इसको फिल कर देता हूँ, और बाकी तो छोटा होगा चलेगा, बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नीचे वाला ज़्यादा बड़ा नहीं अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे जाना है आप लोग को, मेरे पैक पे ही रहना है आपको, सारा चीज़ें पैक पे मिल जाएगी, मैं डाउनलोड करके रखा था इसलिए मेरे को अलग अलग फोल्डर पे बार बार जाना पड़ रहा है। और यहाँ से आप लोग को ऐसा कुछ PNG मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, तो यहाँ पे आप लोग को ऐसे फिल एंड स्ट्रोक पे जाना है, फिल कर देना है इसको, और देन यहाँ पे इसको ऐसे करना है, छोटा सा कर देना है, और इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे टेढ़ा करके लगा देना है। और ये वाइट कलर पे था तो इसको मैं वाइट कलर ही कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये मैंने ऐसे वाइट कलर कर दिया। फिर जो ब्लैक लेयर थे उसको हाइड कर देना, वो तो बस हमको दिखे इसलिए कर दो, क्योंकि देखो अगर ऐसे कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर डन पे करके सेव अ कॉपी करना है, सेव अ कॉपी करना, ओके। फिर यहाँ पे लोकेश गेमर को सिलेक्ट करना, लोकेश को सिलेक्ट करना, PNG करके दोनों को ओके दबा देना, और सेव हो जाएगा। देन आ जाओ काइनवेस्टर पे। सो गाइज आप लोग को डिस्क्रिप्शन के लिंक से काइनवेस्टर डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करना नहीं आता है तो हाउ टू ओपन माई लिंक्स करके वीडियो दी है डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक देके रखे तो देख लेना। प्लस पे क्लिक करके 16:9 का प्रोजेक्ट लेके आप लोगों को यहाँ पे ब्लैक ले लेना, बैकग्राउंड पे जाके ब्लैक ले लेना है, और इसको एक्सटेंड करना है 10 सेकेंड तक, ज़्यादा नहीं 10 सेकेंड तक। और उसके बाद आप लोग को मीडिया पे जाना है, और यहाँ पे आपका जो लोकेस सेव किया था आपने उसको लेके आना, और इतना ही रहने देना, उसको कुछ छेड़ना नहीं है, उसको कुछ भी करना नहीं है। और इसके बाद आप लोगों को मीडिया पे फिर से जाना है, और मेरे पैक में जितनी भी चीज़ें आपको मिलती है सब कुछ मतलब काम की ही है, और सब कुछ अच्छे से एक बार देखना, आपको सब पता चल जाएगा। और ये है हमारा रिफ्लेक्शन जो कि मैंने खुद से क्रिएट किया है, बहुत ही मेहनत से क्रिएट किया गाइस। ब्लेंडिंग पे जाता हूँ और इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है टेक्स्ट पे चढ़ जाएगा, ये देखो ये टेक्स्ट पे चढ़ गया। अभी थोड़ी शाइनिंग कम है, अभी हम लोग काइनमास्टर से जितनी शाइनिंग ला सकते उतनी शाइनिंग हम लोग लाने का ट्राई करेंगे। उसके लिए जाएंगे, मैंने एक दिया है ऐसा कुछ वाइट कलर का धब्बा दिया है, धब्बा बोलो कुछ भी बोलो, तो उसको यहाँ पे ला के हम लोग ओवरले कर देंगे तो थोड़ी चमक हमको मिल जाती है। देखो यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारी चमक, और इसको वापस ले आता हूँ तो यहाँ पे हमारी चमक जो है थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर इसको आप लोग डुप्लीकेट करते हो, डुप्लीकेट तो यहाँ पे और चमक बढ़ जाती है। देखो यहाँ पे और चमक बढ़ जाती है, तो ऐसे ही चमक आपको बढ़ा लेनी है। और देखो यहाँ पे हमारी जो चमक है वो बढ़ चुकी है, और यहाँ पे स्टार्टिंग का जो है यहाँ पे सीरीज़, यहाँ पे 1.5 सेकेंड में आपको FX पे जाना है, देन यहाँ पे जाना है बेसिक इफेक्ट्स, यहाँ पे पहले ही आपको इंस्टॉल्ड मिल जाएगा बेसिक इफेक्ट गॉशियन ब्लर। गॉशियन ब्लर को आपको 1.5 सेकेंड तक रखना है, और बाकी का आपको कट कर देना है। ट्रिम एंड स्प्लिट पे जाके ट्रिम टू राइट, तो यहाँ पे आप लोग को देखो यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन कर देना है, और उसके बाद आपको सेटिंग्स पे जाना है और ब्लर का जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देना है, जिससे कि थोड़ा ब्लर हो जाएगा और कुछ ऐसा दिखेगा। और इसका आउट एनिमेशन है यहाँ पे ये वाला, इसको क्लिक करना और फेड कर देना, तो यहाँ पे थोड़ा सा फेड होके ये होगा, तो जो कि एक मस्त सा लुक देगा आपके इंट्रो का। और इसको एक्सपोर्ट कर लेना, मैं उतनी वीडियो स्किप कर देता हूँ। सो गाइज एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे फिर से प्लस पे क्लिक करके 16:9 का प्रोसेसर ले लेना। अगर आपको मेरी आवाज़ तेज़ लगती है तो आप लोग वीडियो को हल्का फुल्का स्लो करके देख सकते हो। और यहाँ पे एक ऐसा कुछ टेम्पलेट मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे के ही रखा है, और ये देखो बैकग्राउंड मतलब नीचे रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, तो वैसा कुछ ले लेना है। और यहाँ पे हमको लोकेश मिल जाएगा यहाँ पे, और इसको हम लोग अभी ऐसे ही रहने देते हैं,
और यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद आपका थोड़ा सा मतलब घट जाएगा थोड़ा सा ब्राइटनेस, कोई बात नहीं, उसमें बराबर ही है वैसे, सब चीज़ एकदम अच्छे से हमको दिख ही रही है। और इसके बाद साउंड इंपोर्ट कर लेना है, जो कि मैं कर लेता हूँ, और फुल सॉन्ग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग को फुल सॉन्ग सुनना हो तो सुन सकते हो, अगर आधा सॉन्ग मतलब जितना इंट्रो में यूज़ हुआ है उतना डालना है तो आप लोग वो भी डाल सकते हो। सो गाइस यहाँ पे मैंने साउंड को जो है इंपोर्ट कर लिया, और मैं यहाँ पे जो है साउंड को फुल कर देता हूँ ताकि आपको शायद सुनाई दे जाए। सो गाइस आपको सुनाई दिया या नहीं दिया वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने हेडफोन लगाए और कभी कभी साउंड नहीं रिकॉर्ड होता है। आई होप आपको सुनाई दिया हो। और यहाँ से आपको करना क्या, स्टार्टिंग में से आपको एकदम यहाँ पे जाना है, और मैं साउंड पे, सॉरी साउंड पे था, यहाँ पे आपको इसको फुल स्क्रीन कर देना है, और यहाँ पे से आप लोग को साउंड सुन लेना है, और जब ये वाला टेक्स्ट आए यहाँ पे जो साउंड, ये जब फर्स्ट बीट ड्रॉप चालू हो जाती है उसके यहाँ पे से हमको यहाँ पे इसको कट कर देना है, इसको स्ट्रीम टू राइट प्लेहेड कर देना है, और थोड़ा सा आगे करके बीट ड्रॉप के पास यहाँ पे इसको कट कर देना है, और इसका जो आउट एनिमेशन है उसको कर देना है फेड और 1.0 रख देना है, उसका कोई वो नहीं है। और यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में जाना है, यहाँ पे डिलीट के ऊपर आपको की वाला आइकन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है, और लास्ट में एक प्लस की दे देनी है आपको। स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में जितना जूम हो सकता है उतना जूम कर देना है, कुछ ऐसे, देखो मैंने कुछ ऐसे कर दिया है, और ये कुछ ऐसे जाएगा अभी, अभी के लिए फिलहाल ये ऐसे जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और इसको यहाँ पे थोड़ा स्पीड कर देंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे थोड़ा सा और स्पीड करेंगे, यहाँ पे जाएंगे थोड़ा और स्पीड कर देंगे, और यहाँ पे तो ये बराबर ही आ जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक झटका टाइप सा लगता है, तो वह बीट पे चेक करना आपको कहाँ पे, यहाँ पे है वो चीज़, तो आप लोग को चेक कर लेना है, या फिर यहाँ पे से आप लोग नोटिस कर सकते हो 4.9964 पे आप लोग को लगाना है, और यहाँ पे की एनिमेशन पे जाना है, और थोड़ा सा इसको ऊपर लेना है, फिर जस्ट उसको जूम कर लेना है क्लिप को, और जस्ट उसी के बाजू में थोड़ा सा नीचे कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत ही करना है, स्पीड में होना चाहिए। और ये जैसे ही फेड होने लगे यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे अपना बीट ड्रॉप गिरता है ये ऊपर से, यहाँ पे जैसे ये फेड होने लगता है वहाँ से आपको मीडिया पे जाना है, और मीडिया पे जाके आप लोगों को जो आपने PSCC में ये बनाया था लोकेश गेमर पूरा, या फिर आपके चैनल का जो भी आपने बनाया होगा, वो आप लोगों को यहाँ पे आना है, थोड़ा सा इसको और आगे करना है, और देख लेना है लोकेश कहाँ पे आपका एंड होता है, इसको थोड़ा और आगे करता हूँ, इसको लगाना वहीं पर, बस हमको लोकेश की साइज़ चेक करनी है, यहाँ पे एंड होता है लोकेश गेमर, तो यहाँ से हम लोग इसको इतना बड़ा कर लेते हैं कुछ, और कुछ सही से मतलब कर देना है आपको, मैं भी एडजस्ट कर ही रहा हूँ, आप लोगों को जाना है, फिर इसका इन एनिमेशन कर देना है आपको, यहाँ पे मिल जाएगा आपको कन्वर्ज करके, कन्वर्ज इसको 0.5 करना है, और इसका फेड भी हम लोग 0.5 कर देते हैं, 0.5, और देन उसके बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे जहाँ पे हमारा साउंड ख़त्म होता है उसके बाद आपको क्लिप को जो है कट कर देना है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग का वीडियो पे जाना है, फेड इन फेड आउट 1 सेकेंड कर देना है, स्टार्टिंग का 0.75, लास्ट का 1.00, ऑडियो फेड इन ऑन करना है, ऑडियो फेड आउट भी ऑन करना है, ऑडियो फेड आउट 0.50 कर देना दूसरा वाला, और यहाँ पे आपको लेयर मीडिया पे जाना है, लेयर मीडिया पे जाने के बाद आपको बैकग्राउंड पे जाना है, बैकग्राउंड का एक ब्लैक कलर सा लेना है कुछ, और ऐसे कर लेना है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे डुप्लीकेट बना के एक यहाँ पे ऐसे,
इसके बाद आपको एकदम प्रोफेशनल लुक मिल। तो यहाँ पे हमारा एकदम प्रोफेशनल सा लुक आ चुका है, तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट कर देना है और बस आपका इंट्रो जो है बन चुका। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट कर देना मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए। और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और डिस्कॉर्ड पे भी जाओ, वहाँ पे भी आप लोग को डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। अगर आपको ये वाली लिंक ओपन नहीं करनी, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही है। तो बस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।